वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डायग्राम कि अगर एक सेल की बात की जाए तो सेल किस तरह से कनेक्ट होता है एक आउटर सर्किट से, ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट से। तो मान लो ये हमारे पास क्या है, एक सेल है, ठीक, माइनस ए प्लस, ठीक है। और ये सेल का क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये सेल जो है वो कनेक्टेड है पॉइंट ए और पॉइंट बी, यानी टर्मिनल ए और टर्मिनल बी से, जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। तो ये पूरा एक कॉम्बिनेशन हो गया जहाँ पे हमारे एक सेल है, उस सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक बाहर का क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अगर ये सर्किट कंप्लीट होता दिखे तो क्या होगा। ये सर्किट जब कंप्लीट है तो इस सेल से क्या होगा, इस तरह से करंट फ्लो होगा और यहाँ पे आके एंटर कर जाएगा। ये पूरा क्या होगा, एक सर्किट क्लोज है तो यहाँ पे करंट होना, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो टर्मिनल ए और बी है, इन टर्मिनल के बीच में क्या होगा, चूँकि करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस भी दे रखा है, तो बी इज इक्वल टू आई आर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या होगा, एक वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा टर्मिनल ए एंड बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो ई एम एफ है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है और जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, उन सब में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो आर क्या हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है, कैपिटल आर क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर है, ई क्या है ईएमएफ ऑफ सेल है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। अब हम बात करते हैं कि इक्वेशन जो होती है वो सेल की वो क्या होती है। देखिए, जो ईएमएफ होता है वो होता है ईएमएफ इज इक्वल टू वी प्लस आई इंटू आर। वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस आई मतलब करंट जो फ्लो हो रही है, आर मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है। यहाँ पे इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब बात करें अगर मैं बी की वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करूँ तो बी क्या आ जाएगा हमारे पास, वी इज इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस आई आर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। ये होता है सिंगल सेल का इक्वेशन, ठीक है। जब भी हमको सिंगल सेल का इक्वेशन यूज़ करना होता है तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब यहाँ पर कुछ कॉमन चीज़ें जो हमें समझनी चाहिए, जो वी है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर है, वो हमेशा ई से क्या होगा, कम होगा, ठीक है, ई फॉर ई एम एफ ऑफ द सेल। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ई होगा हमेशा किससे, वी से ज़्यादा होगा या फिर बी के इक्वल होगा। यानी कि ई की वैल्यू हमेशा या तो बी के ज़्यादा होगी या फिर बी के इक्वल होगी। लेकिन अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है मान लो सर्किट में, ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि जो करंट फ्लो नहीं करने पर बी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन ई क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा। तो ई क्या होगा, ज़्यादा हो गया, ठीक है। देखिए, वी जीरो है लेकिन ई जीरो नहीं, मतलब ई की कुछ ना कुछ वैल्यू हो, 0.1, 0.2, 0.4 जो भी है, लेकिन वी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ई की वैल्यू हमेशा क्या है, ज़्यादा है किससे, वी से, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस से। अच्छा, एक कंडीशन होती है कि अगर मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम क्या ले रहे हैं, इन्फिनिटी ले लें, यानी इन्फाइनाइट ले लें, ठीक है। तो इन्फाइनाइट के केस में क्या होगा, देखिए, जब हम कैपिटल आर को इन्फाइनाइट लेंगे तो वी और जो वी आएगा, मतलब इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके करो जो करंट आएगा वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। कैसे, देखिए, अगर आर को हम इनफाइनाइट कंसीडर करें, आर को हम इनफाइनाइट कंसीडर करें तो क्या होगा, देखो, आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर, बी इज इक्वल टू आई आर से आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर, वी आर की वैल्यू हमने इन्फाइनाइट ली तो करंट क्या फ्लो होगा, ज़ीरो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जो वी है पोटेंशियल डिफरेंस वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई, सॉरी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ई, यानी ई एम एफ के इक्वल है। आर कभी इन्फिनिटी होता नहीं है, बट एज्यूम किया गया है, तो इसलिए करंट को ज़ीरो एज्यूम किया गया है, ठीक है। तो ज़ीरो एज्यूम किया गया है, ज़ीरो है नहीं एक्चुअल में। तो वी और ई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है किसके, आपस के, आपस के, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई। तो अब यहाँ पे एक बात समझ आ रही है कि जो ई है वो बी से ज़्यादा होता है जब करंट फ्लो हो रहा होता है, लेकिन ई जब बी के बराबर होता है जब करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है एक्सटर्नल सर्किट में, ठीक है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो इक्वेशन याद रखनी कि ई ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यानी कि ओपन सर्किट की अगर बात करें, यानी ये सर्किट को ओपन कर दें, आर को इन्फिनिटी कर दें, तो उस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। और अगर सर्किट क्लोज है तो ई ग्रेटर देन क्या होगा, वी होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे कि वी इज इक्वल टू आई आर होता है और वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। अभी हमने इक्वेशन ऊपर देखा था, इन दोनों को हम सॉल्व करें, इक्वेशन वन एंड टू को, तो आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर, आई को इधर ले लिया, कॉमन लिया हमने, तो आई आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ई। तो यहाँ से आई निकालेंगे, यानी जो करंट फ्लो हो रही है सर्किट में कितनी हो रही है, कैपिटल ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, यानी कि ई एम एफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो जो करंट फ्लो हो रही है सर्किट में वो क्या है, ई एम एफ अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं कि मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा। द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सेल इज, क्या होगा जब हम आर को जीरो कर दें, मतलब एक्सटर्नल जो हमारे पास रेजिस्टेंस था, यानी ये जो था, ठीक है,
इसको हम क्या कर दें, जीरो कर दें, तब देखते हैं कितना हमारे पास मैक्सिमम करंट फ्लो होता है सर्किट से, यानी ये स्मॉल आर हो गया, ये क्या होगा, ई एम एफ हो गया, ठीक है। तो देखिए अगर मैं आर को जीरो करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा इस वाले एक्सप्रेशन में, ई अपॉन जीरो प्लस आर, ठीक है, ई अपॉन जीरो प्लस आर, यानी डिनोमिनेटर का टर्म क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो ई अपॉन आर आएगा। देखिए स्मॉल आर को आप जीरो कर नहीं सकते, यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो तो रहना ही रहना है, आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जीरो कर सकते हो। तो अब जो करंट फ्लो होगा वो इतना होगा, ई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई अपॉन जीरो प्लस आर, मतलब ई अपॉन आर। सिंगल सेल की वजह से जो करंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, मैक्सिमम ई अपॉन आर, यानी ई एम एफ ऑफ द सेल डिवाइड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। कब हो रहा है ये, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा क्या जीरो है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होता है। और मैक्सिमम करंट से बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम करंट क्या होगा सेल के लिए जब सेल सीरीज में या सेल पैरेलल में है, तो उस तरह से हमको ध्यान रखना होता है कि जो एक्सप्रेशन है वो तो मैक्सिमम कब आएगा, जब डिनोमिनेटर की टर्म क्या होगी हमारी, कम हो जाएगी, ठीक है ना, या मिनिमम हो जाएगी। ओके, तो डिनोमिनेटर की टर्म मिनिमम होगी तभी क्या होगा, हमारा एक्सप्रेशन मैक्सिमम आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें, हम बात करते हैं सेल्स इन सीरीज़, मतलब मान लो हमने सेल लिए दो तीन चार जो भी है उनको सीरीज़ में जोड़ दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू एक्सप्रेशन है वो किस तरह से आएगा, ठीक है, टोटल वैल्यू क्या आएगी, टोटल द सर्किट और टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा जो है हमारे पास सेल्स का। हमारे पास जो है दो सेल हमने कंसिडर किए हैं, एक सेल दूसरा सेल, और इन सेल को हमने एंड टू एंड कनेक्ट किया हुआ, मतलब सीरीज में कनेक्ट किया है, ए बी एक सेल हो गया और बी सी एक सेल हो गया, ठीक है। ए बी वाले के लिए ई एम एफ ई वन है, रेजिस्टेंस आर वन है, और बी सी वाले के लिए ई एम एफ क्या ई टू है, रेजिस्टेंस क्या आर टू है। तो हम अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं कि भाई ई इक्विवेलेंट कुछ आएगा और आर इक्विवेलेंट कुछ आएगा, तो ए सी हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे कॉमन जो है इक्विवेलेंट सर्किट ले रखा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस वाले सिंगल वाले के लिए, तो बी ए बी अगर हम निकालेंगे तो इक्वेशन यूज़ करेंगे सेल के लिए, तो ई वन माइनस आई आर वन, बी इक्वल टू ई माइनस आई आर से बी ए बी का जाएगा ई वन माइनस आई आर वन। दूसरे के लिए यूज़ कर लेते हैं बी बी सी इज इक्वल टू ई टू माइनस आई आर टू, ठीक है। अगर मैं ए सी की बात करूँ इस वाले में, फिर इस वाले में चलेंगे, तो ए सी की बी ए सी की बात कर लेते हैं, तो बी ए सी देखो क्या होगा, बी ए माइनस बी सी, ठीक है, और बी ए माइनस बी सी को हम ऐसे ले सकते हैं, बी ए को ऐसे ले सकते हैं बी ए माइनस बी बी, ठीक है, प्लस एक साइन लिया बी वी माइनस बी सी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बी ए माइनस बी सी ही आएगा, ठीक है। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा बी ए माइनस बी सी। तो हमने यहाँ पे क्या है एडजस्टमेंट किया, तो बी ए माइनस बी बी कर दिया प्लस बी वी माइनस बी सी कर दिया, हम यहाँ से एक्सप्रेशन उठा लेंगे, वैल्यूज उठा लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास बी ए माइनस बी बी, और ये हो जाएगा आपके पास बी बी माइनस बी सी, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो बी ए सी क्या आ जाएगा, ई वन माइनस आई आर वन प्लस ये क्या हो जाएगा ई टू माइनस आई आर टू, जो कॉमन है उनको कॉमन ले लिया, ई वन प्लस ई टू एक साइड ले लिए, ठीक है, आई करंट कॉमन ले ली, तो आर वन प्लस आर टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा। तो बी ए सी कितना हो गया, ई वन प्लस ई टू माइनस आई आर वन प्लस आर टू। तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है इस वाले इक्वेशन से, ठीक है, ए सी वाले से। अब हम इस वाले को चलें कि ए सी से जो है हमारे पास जो इक्वेशन आएगी सेल की वो क्या आएगी, वो आ जाएगी बी ए सी इक्वल टू बी इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट, ठीक है। अब इन दोनों कंपेयर करा लो, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ है एक से कॉमन है, यानी ए सी सी की बात यहाँ पर करिए, ए सी सी की बात हमने यहाँ पर करी है, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन ये आ रहा है वो एक्सप्रेशन ये एक्चुअली, तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, ई वन प्लस ई टू, और आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, आर एन प्लस आर टू। तो यहाँ पे हमने सिंपल देखा कि अगर मैं सीरीज में सेल्स को जोड़ता हूँ तो टोटल जो इक्विवेलेंट यानी ई एम एफ है हमारे पास वो कितना है, सम ऑफ द टू इंडिविजुअल सेल्स, और जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना है, सम ऑफ द इंडिविजुअल्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सिंपल क्या ऐड हो रहा है, मतलब ई वन प्लस ई टू आ रहा है और आर वन प्लस आर टू आ रहा है। तो सीरीज में कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ऐड करना है और जो है रेजिस्टेंसेस को ऐड करना है। तो ये आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस और इक्विवेलेंट जो ई एम एफ का जो है वो टोटल आ गया, कि हम सीरीज में कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल सम करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। बात करते हैं सेल्स इन पैरेलल कि अगर दो सेल हम पैरेलल में जोड़ें तो क्या एक्सप्रेशन आएगा टोटल ई एम एफ का और टोटल रेजिस्टेंसेस का, ठीक है। तो हमने एक सेल ये ले रखा, दूसरा सेल ये ले रखा, इसका ई वन है आर वन और इसका ई टू आर टू है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएंगे तो इस तरह से ले सकते हैं, ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट, ए पॉइंट और सी पॉइंट, यानी ए टर्मिनल और सी टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट जो हमारे पास सर्किट है वो ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग ई इक्विवेलेंट निकालेंगे और आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है, इस पैरेलल सर्किट के लिए। तो अगर पहले सेल की बात करें
करें इस वाले सेल की, तो यहाँ पे हो जाएगा वी इज इक्वल टू ई वन माइनस आई आर वन, और दूसरे वाले सेल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वी इज इक्वल टू ई टू माइनस आई आर टू। देखिए पैरेलल में वोल्टेजेस क्या होते हैं, बराबर, यानी ए सी के बीच में जो वोल्टेज होगा वही इसके बीच में वोल्टेज होगा, तो वोल्टेजेस क्या होगा दोनों के कॉमन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशंस आ गई, वी इज इक्वल टू ई वन माइनस आई आर वन और वी इज इक्वल टू ई टू माइनस आई आर टू। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये, जो भी करंट यहाँ से आ रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यानी आई वन और आई टू के फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं जो करंट है वो आई वन प्लस आई टू की फॉर्म में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अच्छा पहले वाले एक्सप्रेशन से अगर हम आई वन निकालें तो हो जाएगा ई वन माइनस बी अपन आर वन। देखिए यहाँ से अगर हम आई वन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई वन माइनस बी अपन आर वन, और यहाँ से अगर हम आई टू निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास ई टू माइनस बी अपन आर टू। अब आई जो है टोटल वो क्या है, आई वन प्लस आई टू में क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू है सर्किट के हिसाब से। तो आई वन क्या है हमारे पास, ई वन माइनस बी अपन आर वन, आई टू क्या है हमारे पास, ई टू माइनस बी अपन आर टू। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, ई वन अपन आर वन माइनस बी अपन आर वन, ई टू अपन आर टू माइनस बी अपन आर टू। तो हमने क्या किया, ई वन अपन आर वन अलग कर लिया, प्लस ई टू अपन आर टू अलग कर लिया। ठीक है, माइनस बी कॉमन लिया, तो वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू यहाँ से एक्सप्रेशन से आया हमें। अच्छा आई जो है हमारे पास, अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिए आई क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस इंटू दिस। ठीक है, तो ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन इंटू आर टू माइनस बी, ये हो जाएगा आर वन प्लस आर टू डिवाइड बाई आर वन आर टू, आर वन प्लस आर टू डिवाइड बाई आर वन आर टू। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है वो टोटल करंट का आ गया। ठीक है, टोटल करंट जो सर्किट फ्लो हो रही है उसका आ गया। अब टोटल करंट इस वाले सर्किट में भी फ्लो हो रही है, तो इस वाले के लिए अगर हम लिखेंगे तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं, बी की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इधर लाऊं, इसको इधर ले जाऊं, तो मैं कह सकता हूं कि वी आर वन आर टू अपन आर वन आर टू, ठीक है, वी आर वन प्लस आर टू अपन आर वन आर टू इज इक्वल टू ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपन आर वन इंटू आर टू माइनस आई। ओके, और सॉल्व किया हमने तो वी इज इक्वल टू ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू माइनस आर माइनस आई आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। इसको हमने सॉल्व किया तो बी का एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ रहा है। ओके, और इससे अगर हम बी का एक्सप्रेशन निकालें तो बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है, तो हम कंपेरिजन करेंगे तो देखिए कंपेरिजन में क्या आएगा, दिस इक्वल टू दिस ना एंड आर इक्विवेलेंट इक्वल टू दिस। ठीक है, तो E इक्विवेलेंट क्या आ गया हमारे पास, ये टर्म आ गया, और R इक्विवेलेंट क्या आ गया हमारे पास, ये टर्म आ गया। ओके, E इक्विवेलेंट कितना आ गया, ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपन आर वन प्लस आर टू कोमा आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर वन आर टू अपन आर वन प्लस आर टू। तो ये कॉम्बिनेशन क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन है दो रेजिस्टेंसेस का। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि फोर सेम सेल, यानी कि सेम सेल है, आइडेंटिकल सेल है, तो मैं कह सकता हूं कि ई वन ई टू बराबर होंगे, यानी कि वो हमने उसको ले लिया ई के इक्वल, और आर वन आर टू बराबर हमने उसके आर के इक्वल ले लिया, दोनों सेल के आइडेंटिकल है। तो उस केस में देखते हैं क्या होता है, ई इक्विवेलेंट हो जाएगा ई इंटू आर प्लस ई इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, और आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, यानी कि टू आर। तो कैंसिलेशन हो गया, आर बाई टू आर है, इसको हमने सॉल्व किया तो ये कैंसिलेशन हो रहा है, यहाँ पे इक्विवेलेंट ए के बराबर आ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं दो सेल यूज़ कर रहा हूँ, दोनों आइडेंटिकल हैं, मतलब दोनों का ईएमएफ सेम है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है इंटरनल, तो उसका जो टोटल आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, देखिए वो आएगा ई, यानी सिंगल सेल का जो हमारे पास ईएमएफ है एंड जो रेजिस्टेंसेज है उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब ये हुआ कि इन दोनों में कॉमन जो हमारे पास क्या है, ईएमएफ है वो, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस आपको मिलेगा ई इक्विवेलेंट में। ठीक है, तो ये पैरेलल में ध्यान रखना है, पैरेलल में क्या आ रहा होता है, सिंगल ईएमएफ और रेजिस्टेंसेस का पैरेलल, जबकि सीरीज में क्या आ रहा होता है, सीरीज में सम आ रहा होता है रेजिस्टेंसेस का भी और जो है ईएमएफ का भी। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। आई होप आपको ये सेल वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, इक्वेशंस आपको ध्यान रखनी है, सीरीज पैरेलल कैसे करना है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में छोटे छोटे, कि सिंगल सेल में मैक्सिमम करंट क्या होगी, जो है पैरेलल में मैक्सिमम करंट क्या होगी, तो इस तरह से हम निकाल पाएंगे। बस ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो आपको मिनिमम करना होता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।